है शाहरुख खान की। तो ये गाइस व्हाट्सअप दिस इज विकास द बैक विद द न्यू वीडियो। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव और कुछ काम से जा रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा अपना गांव और खेत वगैरह वगैरह। आज का ब्लॉग गांव का होने वाला है। अजी दोस्तों, तो फाइनली आ चुके हैं गांव और आपको गांव में दिखाएंगे क्या क्या है और कैसी खेती की गई है, मेरे खेत में क्या क्या लगा हुआ है, मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी। और मेरे साथ आया एक मोटा सा लड़का जो छिप रहा है बगल में। अपना इंट्रोडक्शन दो। इससे मिलिए मेरा छोटा भाई। आई एम तारिश यादव। बोल दो सब्सक्राइब करने। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ माय बिग ब्रदर। ठीक है भाई, तो देखो अब खेत दिखाते हैं आपको। तो भाई सबसे पहले मैं अपने खेत में आपको दिखाऊंगा क्या लगा हुआ है। ये मेरा पीछे खेत है, क्या क्या इसमें बोया गया है सब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है गोभी। गोभी दिख रहा है? गोभी, गोभी इसमें दिख रहा है। ये रहा गोभी, आ गया है। और धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा पता नहीं, आँखें नहीं खुल रहा है, तो आँख खुल नहीं रहा है। उसके बाद से मैं दिखाऊंगा यहाँ पे लगा है लहसुन है। लहसुन की खेती की गई, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, सब देखते रहना। यह है लहसुन, दिख रहा है लहसुन। अभी ये उगने में इसको टाइम है। ये पूरा लहसुन लगा हुआ है और इसमें भी लहसुन है, वहाँ तक लहसुन है। और ये अरहर है, अरहर दिख रहा है। ये अभी अरहर आने में टाइम है, इसको अभी आ रहा है। और आगे शायद ये प्याज की खेती है, शायद नहीं कंफर्म है। इसमें प्याज लगा हुआ है, ये प्याज है। अभी इसमें आया नहीं है, अभी बोया गया है, धीरे धीरे आ रहा है। और अरहर का एक सिंगल पेड़ है, पेड़ नहीं पौधा है। यहाँ पे है आलू की खेती। आलू दिख रहा है जमीन में से निकलता है, मैं आपको भी निकाल के दिखाऊंगा कहाँ से निकलेगा, कितना अंदर घुसा रहता है। पहले निकाल रहा है, निकाल ले। ये रहा छोटा आलू, ये रहा एक और आलू, ये रहा गोरा आलू, ये रहा एक और गोरा पिंगना। भाई देख लिया, ये रहा आलू। और उसके बाद से आपको फिर आगे दिखाते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे है मूली, ये मूली दिख रहा है, ये मूली, मूली को भी निकाल के दिखाते हैं। निकल जा, ये रहा मूली, मूली अभी ले जाएंगे घर वहाँ पे देवरिया गांव से। और यहाँ पे चुकंदर भी है, मैं आपको चुकंदर भी दिखा रहा हूँ। मेरे दादाजी ने पूरी खेती करके रखी है हर एक चीज़ की, अभी मटर, उसके बाद से चने की खेत, उसके बाद से सरसों का खेत, उसके बाद से अरहर का, सब आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग में बने रहना। चुकंदर दिखा रहा हूँ कहाँ है चुकंदर। चुकंदर अभी बहुत छोटा छोटा है। हाँ ये रहा अभी छोटा छोटा, इसको निकाल नहीं रहा हूँ, बड़ा होगा तो लेके जाएंगे यहाँ से। चुकंदर मटर का है, अभी इसका एक सेपरेट खेत है उसमें बोया गया, ये तो बस वैसे ही जम गया होगा। ये है भैंस का ओवरफ्लो गोबर और इसका बनता है ये, इसको क्या कहते हैं, गोइठा भोजपुरी में। और इससे आग जला के खाना पकाया जाता है चूल्हे पे, मतलब चूल्हा आता है मिट्टी का। उसमें छोटा सा गन्ना का खेत है, इसमें हम घुस गए हैं, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें टमाटर लगा हुआ है, दादाजी ने टमाटर बोया हुआ है, देखो अभी ये कच्चा कच्चा है, अभी पके गए तो सड़ गया है। ये सब ये भाई ताज़ा ताज़ा, एकदम ताज़ा, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से खाते रहो। और ये करेले का है, ये करेले का है, करेला कहीं दिख नहीं रहा है अभी, मैं तो भी दिखाता हूँ। ये बैगन की, बैगन दिख रहा है, बैगन, हाँ ये बैगन की खेती है, बैगन है ना। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, यहाँ पे गेट बंद है बकरियों के लिए, क्योंकि बकरियाँ आ जाती हैं, उस पर बात कर देती हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते रहो। तो हम फाइनली आ गए हैं इस खेत में, ये है मटर का खेत। और ये पीछे दिख रहा है, इसमें फूल लग रहा है अभी, अभी धीरे धीरे ये इसमें आएगा फल, उसके बाद से निकलेगा इसमें से मटर। उसके बाद से आपको दिखाते हैं, यहाँ तक है पूरा पीछे तक, शैलेश इसको देख रहा है अच्छे से, कभी देखा नहीं आज तक। और उसके बाद से इधर भी खेती हुई है, लेकिन हम लोग की नहीं है, मतलब हम लोग के घर के ही हैं बगल के। और ये रहा पानी वाला मशीन, इससे पानी चलता है, बोरिंग वहाँ पे है। और अब चलते हैं चने के खेत में, चने के खेत में, चने के खेत में। और ये रहा चने का खेत,
अभी चना आया नहीं है इसमें से, धीरे धीरे आएगा, अभी तो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ये पूरा वहाँ तक है, जब बड़ा होगा तो आपको दिखाऊंगा। चल भाई आगे बढ़ते रहे, ये पूरा चने का खेत, अब बढ़ रहे हैं हम लोग अरहर के खेत में। गांव में स्कूल से बंक जब मारते हैं बच्चे तब तो इसमें आते हैं तब, क्योंकि ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब नीचे बैठो तो सब कुछ दिखाई देता है। ये नीचे बैठने पे सब कुछ अंदर से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अरहर। ये अरहर में भी अभी फूल आया है, फूल भी नहीं आया अभी, आ गया है धीरे धीरे। ये खेत मेरा ही है, ये रहा इसके अंदर, ये अरहर के खेत में है। क्या गजब का नज़ारा है, ऐसा मत सोचना मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ भाई, नीचे भी देख लो एकदम साफ सुथरा हूँ। तो भाई अब इसमें से निकल के अब चलते हैं सरसों के खेत में। सरसों का खेत बगल में ही है, बगल में दिख रहा है सरसों का खेत। अभी मैं शाहरुख खान वाला पोज लूँगा, देखता हूँ अच्छे से होता है कि नहीं। तो भाई पोज लेते हैं एक बार, पहले लेगा शैलेश, उसके बाद से मैं। चल जय शाहरुख खान की, जय शाहरुख खान। ए सिमरन, सिमरन। इसने तो पूरा पोज बिगाड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ बिगाड़ने एक बार, देखता हूँ अच्छे से होता है कि नहीं। जय शाहरुख खान की। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीव। इसने तो बिगाड़ ही दिया शाहरुख खान की पोज, मैंने भी बिगाड़ दिया, अब कुछ बचा नहीं है। अब कुछ और दिखाते हैं, उसके बाद से चलते हैं देवरिया सब्जी लेके, अभी सब्जी तोड़ेंगे उसके बाद से चलेंगे ताज़ा ताज़ा सब्जी लेके देवरिया। गांव में आने का मजा ही कुछ और है, गांव में रहने का मजा कुछ और है, एकदम नेचुरल हवा, एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ, कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं, आराम से गांव में मजे लो। जल्दी आने वाले हैं गांव फिर, और गांव के कच्चे रोड आपको मैं दिखा दूं, ये है गांव के कच्चे रोड, पतले पतले, इसी पे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। खेत के बीच में उसका ये मेरा ड्रोन है, जोड़ रहा है ऊपर, अभी इससे ऊपर जाएगा उड़ के। और ये भैंसों का चारा है, इसको बर्तिन बोलते हैं, वो भी दिन आएगा, अभी काट के भी हम आपको दिखाएंगे एक तारीख के बाद से, गांव पे ही रहने वाले हैं दो तीन दिन के लिए। ये रहा पूरा सीन, ये मेरा गोट्ठा इसको बोलते हैं हम लोग, घर अंदर है, ये गोट्ठा है, दिखाएंगे गोट्ठा कैसा है, मतलब गोट्ठा अगले वीडियो में देखना, इस वीडियो में बस खेत देखो। चलो तब अब चलते हैं सब्जी तोड़ने, सब्जी। फिर नींबू लगा है, नींबू भी तोड़ के ले जाएंगे, ये पका हुआ है, दादी कहने तोड़ ले सब, एक गिर गया, और ये मेरा नींबू, चार नींबू, नेचुरल, कोई केमिकल नहीं, आराम से खाओ, आराम से जियो, कोई बीमारी नहीं। और ये रहा आम का पेड़, और ये पीछे अमरुद है, अभी इस पर चढ़ के मैं तोड़ूंगा, और शैलेश पकड़ेगा मोबाइल, तो चलो अमृत तोड़ के खा के उसके बाद से चलते हैं जल्दी से देव। गांव में रहने का फायदा है भाई, पहले गांव में रहता था तो पेड़ पे चढ़ने की आदत है, बंदरों की तरह। तोड़ के खाने में और खरीद के खाने में उसका मज़ा कुछ और है। हाँ सही बात है, मस्त टेस्टी। ये मेहंदी का पेड़ है, नेचुरल, बाल पे लगाओ, मस्त रहो। तो भाई सब्जी दादी ने तोड़ दिया था, रख दिए तोड़ के, गोभी, आलू, प्याज और नींबू और मूली, अब बस लेना है और चलना है देवरिया,
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर और घंटा दबा देना, ऐसा ही घंटा होगा एक टंग दबा देना। और मम्मी पापा से प्यार करते रहो, अगल बगल साफ सफाई रखो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये देसी ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना। टाटा बाय बाय।